अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी बेटी की बर्थडे का वीलॉग, और ये मैंने डेकोरेशन की थी हम सब ने मिलकर। आप देखिए ये कैसी लग रही है। और फातिमा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और फातिमा को कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए हमने कलरफुल थीम रखी थी फातिमा की बर्थडे के लिए, और हमने इसको डेकोरेट किया इन जस्ट 1 आवर, और बहुत अच्छा लग रहा था ये सब कुछ। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि फातिमा ने अपने लिए किस तरह का केक पसंद किया। एवरीवन इज़ वेरी एक्साइटेड, क्योंकि फातिमा की बर्थडे बहुत स्पेशल ओकेजन है सब घर वालों के लिए, क्योंकि सभी फातिमा से बहुत प्यार करते हैं। और माशाल्लाह से फातिमा के भाई भी बहुत एक्साइटेड थे कि हमारी बहना की बर्थडे है आज, और उन्होंने भरपूर तैयारी की हुई थी। और बच्चे जो हैं वो अपना यहाँ पर फ़ोटोशूट करवा रहे थे, और वो कह रहे थे कि मामा हमारी पिक्चर्स लें, हमारी पिक्चर्स लें। और ताहा सुपरमैन के ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे थे, और सारेम और सादी भी बहुत प्यारे लग रहे थे, और सब ने जो है वो की यही कोशिश थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पिक्चर्स और वीडियोस बना लें। वैसे भी हमारी फैमिली में सबको वीडियोस और पिक्चर्स का बहुत ज़्यादा शौक है, सबको बहुत दिल चाहता है कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स बनाई जाएँ। और जब कोई भी इवेंट होता है तो सब अपनी अपनी पिक्चर्स बनाने में मसरूफ़ होते हैं, तो आज ऐसा ही था। और लेकिन फातिमा को स्पेशल इम्पोर्टेंस थी, और फातिमा के लिए बैलून्स थे जो फातिमा के छोटे अबू फातिमा के लिए लेकर आए थे। फातिमा बहुत एक्साइटेड थी इनको देखकर, और फातिमा से सब बच्चे यही कह रहे थे कि ये बैलून्स हमें भी चाहिए। और फातिमा ये कह रही थी कि पहले मुझे अपनी बर्थडे करने दो, फिर उसके बाद मैं आप सबको ये एक एक बैलून जो है वो गिफ्ट करूँगी। और फातिमा जो है वो बिल्कुल ऐसे फील कर रही थी कि जैसे वो प्रिंसेस हैं, और हैं भी फातिमा प्रिंसेस। और फातिमा आज बिल्कुल प्रिंसेस की तरह से रेडी हुई थी, क्योंकि फातिमा को प्रिंसेस ड्रेस बहुत पसंद है, और मुझे भी फेरी फ्रॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं। और ये फातिमा का केक है जो कि फातिमा ने ख़ुद पसंद किया है। फातिमा पिंक और वाइट की थीम चाह रही थी, और ये फातिमा ने बारबी केक पसंद किया था, और ये हमने तहजीब बेकरी से बनवाया था, जो कि बहुत ही अच्छा उन्होंने हमें बना कर दिया था, और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था। और अगर आप बर्थडे डेकोरेशन के लिए आइडियाज़ देखना चाहते हैं, तो ये बहुत ही कलरफुल बेबी गर्ल के लिए अगर आप इस तरह की बर्थडे अरेंजमेंट करें तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और बहुत ही जल्दी ये अरेंजमेंट हमने कर ली थी, और बहुत जल्दी ये चीज़ें हमने लगा ली थी, क्योंकि हम लोग तो बच्चों की बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और अभी फातिमा जो है वो रेडी हो चुकी थी, और फातिमा की सब पिक्चर्स ले रहे थे, और फातिमा को बहुत अच्छा लग रहा था। और फातिमा कह रही थी कि बस मैं अपनी जल्दी से अपनी बारबी केक को देखकर फातिमा बहुत खुश थी, क्योंकि जैसे फातिमा ने पिक्चर में बताया था वैसा ही फातिमा को केक मिला था। आप भी इसको देखिए और बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा है। और अब जो है वो फातिमा रेडी हो गई हैं, और अभी फातिमा केक कटिंग करेंगी, लेकिन उससे पहले सब बच्चे मिलकर फातिमा को विश कर रहे थे, जो कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा भी है कि सब बच्चों ने मिलकर फातिमा को विश किया, और फातिमा ने इसको बहुत एंजॉय किया, और फातिमा खुद को खुद भी विश कर रही हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और ये फातिमा क्योंकि 4 ईयर्स की हो गई हैं माशाल्लाह, तो ये फातिमा का 4 ईयर की बर्थडे थी। फातिमा की फ़र्स्ट ईयर की बर्थडे भी हमने इसी तरह से बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की थी, लेकिन फातिमा की सेकंड बर्थडे जो है वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं हुई थी। और फातिमा की सेकंड बर्थडे पे फातिमा की खाला की शादी आ गई थी, इसलिए हम उसमें कुछ मसरूफ़ थे। और फातिमा की थर्ड बर्थडे पे उसकी फूफू की इंगेजमेंट थी, और हम वहाँ पे बहुत मसरूफ़ थे, तो इसलिए फातिमा की सेकंड और थर्ड बर्थडे इतनी धूमधाम से नहीं हो सकी थी। तो इस दफ़ा फातिमा की बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से जिस तरह से फातिमा चाह रही थी, और फातिमा क्योंकि 4 ईयर्स की हो गई हैं तो फातिमा सेंसिबल भी हो गई हैं, और फातिमा को आइडिया है कि किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है। और फातिमा ने अपना प्रिंसेस क्राउन जो है वो यहाँ पे पहन लिया था, और अब फातिमा केक कटिंग करेंगी। और केक कटिंग करने से पहले फातिमा अपना ड्रेस शो कर रही हैं, फातिमा आपको अपना ड्रेस दिखा रही हैं, और फातिमा का ड्रेस भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। ये मैंने था जो हमने घर पे मैंने तैयार किया था, ये बिरयानी है, फ्रेश सैलेड है, और समोसे थे,
पिज़्ज़ा था, और क्योंकि हाशिर चाह रहे थे कि पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा लाया जाए, हट से पिज़्ज़ा मंगवाया। और यहाँ पे कुछ क्योंकि हाशिर को और हाशिर के चाचू को जलेबियाँ बहुत पसंद हैं, तो वो बाबा के साथ समोसे लेने गए, तो वो जलेबियाँ भी लेकर आ गए। और यहाँ पे खाने की जो है वो तमाम चीज़ें टेबल पर लग गई थी, और अभी हम लोग सेलिब्रेट करने लगे थे क्योंकि खाने का टाइम था, दिन का वक्त था। Happy birthday to you. और ये फातिमा की पिक्चर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। फातिमा की नानू जो हैं वो बर्थडे पे नहीं आ सकी थी क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी, इसलिए वो बर्थडे पे नहीं आ सकी थी। और फातिमा अपनी की फ़र्स्ट और सेकंड बर्थडे पे फातिमा की दोनों खाला मौजूद थीं, और फातिमा अपनी दोनों खालाओं को बहुत मिस कर रही थी, नादिया खाला को भी और नताशा खाला को भी बहुत मिस कर रही थी, और फातिमा अपनी शीरी मामी को भी बहुत मिस कर रही थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद आने वाली वीडियो में फातिमा आपको अपने गिफ्ट्स खोलकर दिखाएंगी, और अपने गिफ्ट्स की को आप देखिएगा कि फातिमा को कौन कौन से गिफ्ट बर्थडे पर मिले हैं। और मेरे चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़। Music licensing reimagined. Artlist.io Music licensing reimagined. Artlist.io